अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बहरिया मॉडल स्कूल, पीएनडी मारीपुर, सेकेंडरी विंग। दिस इज़ फिजिक्स लेक्चर नंबर 20। माई सेल्फ मिस महक फातमा। चैप्टर नंबर 7 का हमने सारे डेरिवेशंस और डेफिनेशंस टॉपिक सारे कवर कर लिए थे। चैप्टर नंबर 7 हमारा सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। आज जो हमारा टॉपिक्स हैं वो है बुक एग्जाम्पल्स एंड बुक प्रॉब्लम्स। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को रिवाइज कर लें। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए सी इज इक्वल टू वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन रेडियस। सेंट्रीपेटल फोर्स बराबर होता है एफ सी इज इक्वल्स टू मास वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन रेडियस। सेंट्रीफ्यूजल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स बिल्कुल इक्वल होते हैं, बस इसमें नेगेटिव साइन आ जाता है बिकॉज इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है कि एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ एम ई इज इक्वल टू स्मॉल जी रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन कैपिटल ग्रेविटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू अंडर रूट ग्रेविटी एंड रेडियस। बुक एग्जाम्पल्स एंड बुक प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास एग्जाम्पल 7.1 है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट दैट इज अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर एंड ऑफ मीन्स द रेडियस 3.84 एक्सपोनेंट 8 मीटर। द स्पीड ऑफ मून इज 1022 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ऑफ द मून। अब हमारे पास क्या है कि एक मून है जो कि अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। आपको रेडियस भी उन्होंने दे दी, आपको वेलोसिटी भी दे दी, और उन्होंने कहा कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन फाइंड करें। आपको ए सी रिक्वायर्ड है, आपने सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। आप सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। जो वैल्यूज़ आपको गिवन है आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी की वैल्यू डाल दी, रेडियस की जगह रेडियस की वैल्यू डाल दी, इसका स्क्वायर लिया वेलोसिटी का और फिर इसको रेडियस से डिवाइड कर दिया आपने, तो आपके पास सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल यह है कार ऑफ मास। एक कार है जिसका मास 1500 kg है और वो गोल गोल घूम रही है ट्रैक के ऊपर, जो कि इसका रेडियस जो है वो 20 मीटर है। जो कांस्टेंट स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, आपने इसकी सेंट्रीपेटल फोर्स फाइंड करनी है। तो आप जब डेटा बनाएंगे, मास आपको गिवन है, रेडियस आपको 20 गिवन है, वेलोसिटी आपको 20 मीटर पर सेकेंड गिवन है, सेंट्रीपेटल फोर्स फाइंड करनी है। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये साथ साथ जो है इसको कैलकुलेट करते जाएं आंसर को, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 7.3 देखें। द मास ऑफ द प्लैनेट जुपिटर। एक जुपिटर है प्लैनेट जिसका जो मास है 1.9 × 27 kg है और मास ऑफ द सन है वो 2 × 30 है। एवरेज जो इनका डिस्टेंस है वो 7.8 × 11 meters है। आपने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है सन एंड जुपिटर की। आप डेटा बनाएंगे, मास ऑफ अर्थ आपने लिखा, सन का मास लिखा, रेडियस आपने लिखा, देन आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी है। आप फॉर्मूला लगाएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, कैपिटल एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम जे। आपके पास जुपिटर का मास, आपके पास सन का मास और आपके पास रेडियस, इन दोनों का आप जब वैल्यूज पुट कर देंगे, रेडियस का स्क्वायर लेंगे और फिर इनको आपस में डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास फोर्स का आंसर आ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी बिटवीन सन एंड जुपिटर। अब यहाँ तक आपकी एग्जाम्पल, बुक एग्जाम्पल ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। अब आपके पास बुक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही हैं। 7.1 अब प्रॉब्लम देखें आप। ये मैंने इसके आंसर जो हैं वो सारे हाइड कर दिए हैं, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। एग्जाम्पल्स तो आपको आपकी बुक पे भी मिल जाएंगी, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपने, इसका डेटा आपको मैं समझा रही हूँ, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये मैं आपको समझा रही हूँ। आपने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, देन आंसर अपनी टेक्स्ट बुक से मैच करना है। एडवर्ड स्पीड मस्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ सर्कल। एक सर्कल पे ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, रेडियस 2 मीटर है, एक्सपीरियंस ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ऑफ 9.8। तो आपको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी लिखा है एट व्हाट स्पीड, यानी कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी ये आपको फाइंड करनी है। तो आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको स्पीड फाइंड करनी है तो आप स्पीड को एक तरफ ले आएंगे, बाकी वैल्यूज़ को एक तरफ ले आएंगे। सिंपल वेलोसिटी चाहिए तो यहाँ पर स्क्वायर है तो आप अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर, आपका फॉर्मूला ये बनेगा, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पुट वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला फ्रॉम द डेटा एंड मैच योर आंसर फ्रॉम बुक पेज नंबर 121 में आपको आंसर्स इसके मिल जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 7.2 देखें। आ कार गोज राउंड अ कर्व एट 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड है, ठीक है, एक कार की जो कि गोल
कर्व रोड पे मूव करी है, 20 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर जो है वो 50 मीटर्स है, एंड कैलकुलेट द सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। सिंपल, आपको वेलोसिटी गिवन है, रेडियस गिवन है, सेंटीपेटल एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। आप फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यूज पुट करेंगे और पेज नंबर 121 पे आंसर मैच अपना कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, एक प्रोटॉन है जिसका मास 1.6 एक्सपोनेंट -27 है, वो सर्कुलर घूम रहा है, उसका रेडियस जो है वो 100 सेंटीमीटर है। इलेक्ट्रोमैग्नेट अप्लाइज अ फोर्स, और जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो 1 एक्सपोनेंट -12 हो रही है, ठीक है, डायरेक्टली टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। वट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन, आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है प्रोटॉन की। मास गिवन है आपको, रेडियस सेंटीमीटर में दिया है, इसको आप मीटर में चेंज करेंगे। फोर्स आपको गिवन है, आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो अब आप खुद ही देख लें कि आपको मास, रेडियस, फोर्स फाइंड है और एक फैक्टर आपके पास वेलोसिटी है, तो आपके पास सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगेगा। इसमें से आपने वेलोसिटी को एक तरफ कर लेना है, बाकी सारी वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेना है, और फिर यहाँ पर रूट ले लेना है, क्योंकि आपको सिंगल वेलोसिटी चाहिए, डबल स्क्वायर वाली नहीं चाहिए। अब इसमें आपने सारी वैल्यूज पुट करनी है और आंसर अपना 121 पेज पर मैच कर लेना है। प्रॉब्लम नंबर 7.4 देखें, एक स्ट्रिंग है 2 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, और आपने उस पर स्टोन जो है वो 200 ग्राम का स्टोन आपने उस पर लपेट दिया है, और आप उसको सर्कुलर घुमा रहे हैं अपने हैंड की मदद से, ठीक है। तो और जो स्पीड है वो उसकी 2 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी कि आपको फोर्स फाइंड करनी है। तो आपके हाथ से लेकर जो आपने हाथ पर थ्रेड पकड़ा हुआ है और वो स्टोन तक जो लेंथ होगी वो रेडियस कहलाएगा, ठीक है। तो आपकी जो लेंथ, जो रेडियस है वो 2 मीटर है, और आपको मास ग्राम में दिया है, इसको केजी में करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, आपको फोर्स फाइंड करनी है, इनकी टेंशन फाइंड करनी है, वैल्यूज पुट करेंगे मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, और आप इसका आंसर ईजिली निकाल लेंगे, और पेज नंबर 121 पे इसका आंसर आप मैच कर लेंगे। नाउ पेज नंबर सॉरी प्रॉब्लम नंबर 7.5 देखें, कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉयज ऑफ द मासेस 50 kg एंड 40 kg। एक मास ये है 50 kg, एक 40 kg है, और आपने इन दोनों, कंप्यूट का मतलब होता है फाइंड करना, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी है टू बॉयज़ में, और जो इनके दरमियान की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात आएगी तो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। मास 1 आपको दिया हुआ है, मास 2 दिया हुआ है, रेडियस आपको दिया हुआ है, कैपिटल जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है 6.67 x−11, और फोर्स आप इजीली निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर पेज नंबर 121 में चेक कर लेंगे। प्रॉब्लम 7.6 देखें, कंप्यूट द फोर्स, यहाँ पे भी आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी है बिटवीन द स्मॉल एंड लार्ज स्फीयर, ठीक है, ऑफ द कैवेंडिश बैलेंस इफ m1 आपके पास जो एक मास 1 ग्राम का है और दूसरा मास 300 ग्राम्स का है, रेडियस 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप ग्राम्स, आपको जो डेटा बनाएंगे, m1 आपको ग्राम में दिया, इसको kg में करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000, देन 300 ग्राम्स को आपने डिवाइडेड बाय 1000 करना है, और आपने m2 निकाल लिया 0.3 kg। रेडियस आपके पास क्या है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे आप, ठीक है। तो आपके पास मीटर्स में आंसर आ जाएगा, ग्रेविटी की वैल्यू कॉन्स्टेंट लगा देंगे, फोर्स फाइंड करनी है हमें, ये फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, देन आंसर चेक कर लेंगे। प्रॉब्लम नंबर 7.7 देखें, टू बॉल्स हैं, एक 40 kg और एक 20 kg है, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो 3.33 x−7 N है। फाइंड द डिस्टेंस, आपको रेडियस फाइंड करना है, और कैपिटल जी की वैल्यू गिवन है, m1 गिवन है, m2 गिवन है, फोर्स गिवन है आपको, एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू गिवन है आपको। रेडियस फाइंड करना है, यही फॉर्मूला लगाएंगे, रेडियस को एक तरफ कर लेंगे, फोर्स को इसकी जगह पर ले आएंगे, ठीक है, देन आप इसका अंडर रूट ले लेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे और पेज नंबर 121 पे इसका आंसर चेक कर लेंगे। प्रॉब्लम नंबर 7.8 देखें, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ टू द सन इज, यानी कि आपको रेडियस जो है वो दिया हुआ है, जो डिस्टेंस दिया हुआ है 1.49 x·11 m, और मास ऑफ अर्थ 6 x·24 kg होता है, और मास ऑफ सन 2 x·30 kg होता है। आपको क्या फाइंड करना है, कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स, आपको फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। डेटा बनाएंगे, मास ऑफ अर्थ लिख दें, मास ऑफ मून सॉरी मास ऑफ अर्थ लिख दें, मास ऑफ सन लिख दें, रेडियस जो है इन दोनों के दरमियान का वो आपने लिख दिया, और ग्रेविटेशन की वैल्यू ये होती है, फोर्स फाइंड करनी है, यही न्यूटन्स का फॉर्मूला आप लगाएंगे, इसमें वैल्यू सारी पुट कर देंगे और आंसर अपना 121 पर चेक कर लेंगे। ये आपके सारे न्यूमेरिकल्स हो गए कम्प्लीट। होम टास्क नाउ आपके पास 20 ये है, लर्न एंड राइट द फार्मूलाज ऑफ चैप्टर नंबर 7। जब चैप्टर नंबर 7-6 तक आपने आई होप काम कंप्लीट कर लिया होगा,
फिर चैप्टर 7 की जो चीज़ें मैंने आपको लिखने के लिए बोली वो आपने सारी लिखनी है, और फिर इसकी फॉर्मूलाज की हेडिंग डाल के जो मैंने अभी इस लेक्चर में फॉर्मूलाज बताए हैं वो लिखने हैं, बुक एग्जांपल्स लिखनी है और न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, और बुक के ऊपर जो एमसीक्यूज ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स मौजूद होते हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।